हाय फ्रेंड, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कमिंस इंजन में सिलेंडर लाइनर में कौन सी ओरिंग जो है कहां पर लगता है। आज हम आपको उसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताएंगे। ये देखिए, इसमें देखिए ये तीन ओरिंग लगता है। ये जो फ्लैट वाली ओरिंग होती है ये जो है अधिकतर वाटर लाइन की साइड में होता है, और बीच में देखिए काले रंग की जो है वो मीडिएटर ओरिंग है, और एकदम ऊपर जो दिखा रहा है वो देखिए वो रेड कलर का है, वो जो है वो आयल की तरफ जो है होता है। ये देखिए, इन्होंने लाइनर को नीचे किया मतलब उल्टा कर दिया, तो ये एक्चुअल पोजीशन ऐसे ही होता है, क्योंकि रेड कलर जो है हमेशा जो है आयल चैम्बर में जो आयल होता है उसी के कंटेक्ट में ये आता है, और मीडिएटर वाला जो है वो तो मीडिएटर का काम ही करता है, और जो फ्लैट वाला रहता है क्योंकि वो जो हमारा वाटर हीटर का जो लाइनर के सराउंडिंग में जो कूलिंग के लिए कूलेंट चलता है ये उसके कंटेक्ट में रहता है। तो ये जो है हम ओरिंग कौन सी ओरिंग कहाँ लगाते हैं इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दिया। और जैसे कभी कभी जैसे वाटर का ओलिंग अगर टेम्परेचर की वजह से वर्न आउट हो जाता है, तब यहीं की इसी के थ्रू जो है वाटर इन सम्प होता है, मतलब यहीं से वाटर जो है कूलेंट लीकेज करके जो है चैम्बर में चला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, हो सके तो अपने फ्रेंडों को भी इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो।